चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी कामनाओं की पूर्ति कराने वाली होती है। इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है तथा साधक की इच्छा एवं कामना पूर्ण होती है। इस एकादशी के फल के विषय में कहा जाता है कि यह एकादशी व्यक्ति के पापों को समाप्त कर देती है। कामदा एकादशी के प्रभाव से संतान प्राप्ति, पापों का समन होता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं साल 2024 में चैत्र माह में कामदा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, एकादशी तिथि कब शुरू कब समाप्त, व्रत के पारण के समय में साल 2024 में कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को है, पारण रहेगा 20 अप्रैल को सुबह 5:50 से सुबह 8:26 तक। एकादशी तिथि का प्रारंभ 18 अप्रैल 2024 को शाम को 5:31 पर हो रहा है और एकादशी तिथि की समाप्ति 19 अप्रैल को रात्रि 8:04 पर हो रही है। व्रत की विधि पुराणों के अनुसार दसवीं तिथि को शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान का ध्यान करते हुए सोए। एकादशी व्रत रखने वाले को अपने मन को शांत एवं स्थिर रखे, किसी प्रकार की द्वेष भावना क्रोध मन में ना लाएं। एकादशी को तांबा चांदी चावल और दही का दान करना उचित होता है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी ऋतुफल एवं तिल का प्रयोग करें। व्रत के दिन अन्न वर्जित है, निराहार रहें और शाम में पूजा के बाद चाहे तो फल ग्रहण कर सकते। यदि आप किसी कारण व्रत नहीं रख सकते तो भी एकादशी के दिन चावल का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है, संभव हो तो रात में जग कर भगवान का भजन कीर्तन करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगले दिन एकादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। कामदा एकादशी व्रत की कथा। श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन ने कहा, हे कमलयन, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे जगदीश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अब आप कृपा करके चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इस व्रत को किसने किया था। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था। वह वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्षी एकादशी का क्या नाम है, उसमें किस देवता का पूजन होता है तथा इसका क्या विधान है, कृपा करके बताइए। मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह समस्त पापों का नाश करने वाली है। जैसे अग्नि काष्ठ को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके उपवास से मनुष्य निकृष्ट योनि से मुक्त हो जाता है और अंततः उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इस एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में भागीपुर नामक एक नगर था जिस पर पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी नगर में ललित और ललिता नाम के गायन विद्या में पारंगत गंधर्व स्त्री पुरुष अति संपन्न घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वे अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही व्यथित होते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में विराजमान थे। वहां गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहां उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते अचानक उसको ख्याल आ गया, जिसके कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। नागाराज कर्कोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप दे दिया। अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा, इससे तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपना कर्म का फल भोग। ललित गंधर्व उसी समय राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य में बदल गया। उसका मुख विकराल हो गया, उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे, मुंह से आग की भयंकर ज्वालाएं निकलने लगी, उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई, गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगा, उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। इस तरह राक्षस बन जाने पर वह
अनेक दुख भोगने लगा। अपने प्रियतम ललित को ऐसा हाल होने पर ललिता अतः दुख से व्यतीत हो उठी। वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ, किस जतन से अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से मुक्त कराऊँ। राक्षस बना ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी हालत देखकर विलाप करने लगती। एक बार वह अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उस स्थान पर उसने संगी मुनि का आश्रम देखा। वह शीघ्रता से उस आश्रम में गई और मुनि के सामने पहुंचकर दंडवत प्रणाम कर विनती भाव से प्रार्थना करने लगी। हे महर्षि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के हिसाब से एक भयंकर दैत्य बन गया है। उससे मुझे अपार दुख हो रहा है। अपने पति के कष्ट के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, कृपा करके आप उसे राक्षस योनि से मुक्ति का कोई उत्तम उपाय बताइए। समस्त वृतांत सुनकर मुनि श्रृंगी ने कहा, हे पुत्री, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से प्राणी के सभी मनोरथ सीख पूर्ण हो जाते हैं। यदि तुम उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को दोगी तो वह सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप शांत हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समक्ष अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, मैंने जो यह उपवास किया है उसका फल मेरे पतिदेव को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति सुंदर हो गया और मृत्यु के बाद दोनों पुष्पक विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए। हे अर्जुन, इस उपवास का को विधान पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि के पाप और राक्षस आदि योनि से मुक्त हो जाते हैं। संसार में इससे उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं। इसकी कथा व महात्म्य के श्रवण व पठन से अनंत फलों की प्राप्ति होती है।